श्री सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक सभा की ओर से 72वां वार्षिक सम्मेलन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक श्री सनातन धर्म रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर छावनी में करवाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल वालों के साधकों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान कमल चौहान, चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, कोषाध्यक्ष प्रभुदयाल, पंडित राजेंद्र कुमार, सदस्य प्रोफेसर टॉयलर अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, अमरजीत सिंह, मोहिंदर अग्रवाल, अशोक, रीमा, सीमा, आशा, रजनी, सुनीता, कमला, नारायण शर्मा, सूरज, सुनील, श्याम, अनीता, नीलम गुप्ता सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ये वो भूमि है जिस भूमि पर परमात्मा ने अवतार लिया। अगर आप बात करें ना अमेरिका की, कनाडा की, या यूएई की, या भारत को छोड़कर अन्य जो धरती है वहां पर परमात्मा ने अवतार नहीं लिया। प्रभु श्री राम की किसका अवतार? हाँ जी, और हमारे कृष्ण बलदेव किसका अवतार? और देखिए यहां पर हम कहते हैं ना भगवान विष्णु जी के अवतार आए, बाकी अन्य किसी धरती पर पूर्ण अवतार ने ऐसे शरीर धारण किया। वो मैं संजय थे संदेश प्रोग्राम साढ़े रामा मंदिर के भद्रमा कराया जा रहा है, वो असी अपने तय दिन तो पूरे पेंट वालों दिव्या ज्योति वाले गुरु जी बाबा जी और जिन्हें भी इन्होंने सेवेदार उन्होंने इतिहास के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और असी अपने वालों तुलसी एस डी और एन सी मॉडल स्कूल वाले बच्चों का और उन्होंने टीचर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और सारी जिनी संगत आई उन्होंने अज के दिन की एक होर बेनती करते हैं कि 24 तरीक को कलश यात्रा होएगी, 25 तरीक को भागवत कथा जो कि रामा मंदिर वालों कराई जाएगी, वो सारे ने आना है। और जिन्हें भी साड़ी टीम है इन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी, आशा जी और सानू बहुत रजनी जी। और अज असी इतों सानू बहुत कमी महसूस है जो कि साढ़े उषा प्रधान जी साढ़े नहीं रहे। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के चेयरमैन साहब हरविंदर सिंह जी पप्पू और प्रधान कमल चौहान जी, हमारे पूजनीय पंडित जी रजेंद्र राजू जी, प्रभुदयाल वर्मा जी, अशोक जी भी आए हुए हैं श्री सनातन धर्म महाविद्यालय के पुराने प्रधान रहे हैं, सभी ने बहुत ही सहयोग दिया है। प्रधान जी और चेयरमैन साहब निरंतर सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी अभी बहुत सारे रोचक कार्यक्रम आ रहे हैं। अंदर बालाजी का मंदिर बन रहा है,